ने बोला, अरे मैं तो बहुत दुखी आदमी हूं, मने तो बकस दो। हाथ जोड़ के विनती करता है उनसे पाइयों से, और क्या कहता है, ले जाओगे जोकर बनजारा पछताया था कुत्ते ने मार गए। उदाहरण देता है क्या दिया भला, ओए सेठ पले लिए दम करा रे कुत्ते ने आए कर दिए सा पछताओगे। सेठ पे ले लिए दाम करारे कुत्ते ना आए कर दिए सारे, उस बंजारे की ढाल बांच के परवाना सारा मार के फिर पछताओगे। डेढ़ लाइन में पूरी कथा कह दी दादा ने, ऐसे समझ में नहीं आओगे यार रागिनी, सुन लोगे जब मेरा पड़ जाएगी डेढ़ लाइन में की था। छत्री रजपूत जाति के
ये कथा आज से लगभग 100 साल पहले की। एक लखी शाह बंजारा हुआ, बहुत बड़ा साहूकार था। शाह एक बनियों से मिलती जुलती जाती है, वो बणज किया करते, व्यापारी थे ये बंजारे। नहीं गाड़ी लवा वाले नहीं, बंजारा जाती होती है। एसपी बंजारा जिसने अमित शाह का केस था, एसपी फेरीवाज भीतर बंजारा। आजकल तो नहीं, पहले बंजारा के कुएं भी 5000 ते बनाए हुए कई गामा में। बहुत साहूकार जाती थी, उसने कुत्ते का पल्ला पाल लिया। क्या कहा, भाई संदीप दिल्ली पुलिस से काफी पैसे पहले, 100 रुपये और 100 रुपये भाई काले के नाम के बड़ा दिन। छोड़ू को ना दादा, छोड़ू को ना, उड़े लाऊंगा, चिंता मत करे। तो प्रकाश भाई गुडानिया 100 रुपये पार्टी के और भाई 500 रुपये बाबा के, बड़ा बड़ा धन्यवाद। समय बदलता रहता है। इतना बड़ा साहूकार, उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान एक था। काले के भी न्यारे देने पड़ेंगे, काला भी नौ है भाई, वैष्णो देवी गए हो के भाई, वैष्णो देवी की धोख मार के 2 किलोमीटर एक भैरो है, जाऊंगी धोख ना मारे तो वह यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। तब वह काले की धोख भी जरूरी है। ये
हे बाबा दिवाली नाथ जी 100 रुपये गुरु जी का बड़ा बड़ा दिन पाछा पाछा प्या दिए थोड़ी अंडट जा यार आग नहीं कह लें दे चला घूम जा बढ़ जा भोखा बढ़ जा देखिए तो भी थनसा भूल रहा कब भाई संजय मंगेज का 1100 रुपये बाबा के और 200 रुपये पार्टी के भाई का बड़ा दिन होता स्वर्गीय जयपाल की पोती गौरू 100 रुपये बेटी का बड़ा धन्यवाद मनीष बड़ेसरा से 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद क्या कहा दूसरी समय कदे ही नहीं कहते आप भी पंजाबी थे और हम तो 1966 तक ही पंजाबी थे ये करमन कोसी बॉर्डर है यहां से लेके और शालकोट का जो पंजाब पाकिस्तान में है वहां तक इतना बड़ा प्रांत था पंजाब हम 66 में न्यारे हो यहां 66 तक ही पंजाबी थे हम लाहौर से लाहौर हमारी हाईकोर्ट आगरती दिल्ली का भी कमना सौदा था दिल्ली 1911 में अंग्रेजा ने राजधानी बनाई जब उसे पहले डिस्ट्रिक्ट बनाया था लाहौर से रागरे तक जाना था आदमी का जब ऐसा खड़िया नाश हो गया उसका दो जीव रह गए कुत्तार बन जा रहा सब कम धन परिवार सब कम खत्म हो गया आदमी ने सोचा देखे डांगर का भी खूटा बदले आगरे देखा उड़े दूध दे दे लाहौर से आगरे तक गया दो जीव रह गए कुत्ता और बन जा रहा एक सेठ के पास जाके 20,000 रुपये में कुत्ते को गिरवी रखता है बनिया की बड़ी श्याणी को वो है अगर यो कुतरू 20,000 का और फिर यह बात सोची रहे इतना बड़ा साहूकार आज त्रे बाणी आगे खड़ा है और इसका गुठा त्रिवही में लगेगा यह बात रह जाएगी कद्दे ताई की कैसे जैसे बिड़ला मिल के कर्मचारी हड़ताल कराया करते जब वह लोटा ले अंडर से उसके बाप दादा परदादा सरदादा ने कदे लोटा गहने धरिया होगा आगे इसी प्रकार इसका गुठा डर लग गया बहुत बड़ा साहूकार है और 20,000 गिन दिए और 100 साल पहले जैसे यह बीमारी कोरोना की आई इसी फ्लैग की बीमारी आई थी मारे बूढ़े उन्हें कत्ते काली बीमारी का आगरते कत्ते के महीने में आई थी वह और जो शीत पी गया वो बच गया बाकी चैनिया में क्या कहा लाहौर शहर ते बनजारे ने लाहौर शहर ते बनजारे ने अपना टांडा ठाया कई रोज हुए चलते चलते शहर आगरे आया इरा डलती फिरती छाया हो टोटे ने गणा सताया और इब मारे फिर रोवे पर तारे ढाला
20,000 गिन के बनजारा चला जाता है और कुत्ता सेठ के यहां रहने लग जाता है। उस भगवान के करने एक साल के बाद सेठ जी का चोरी हो जाती है, डकैती पड़ जाती है। धर्मपाल सेन साहब भाई बहुत पैसे पहले बाबे के मंदिर में भी दिए और 100 रुपये और बड़ा बड़ा धन्यवाद। और वह डाकू चोर ये कार्रवाई कर रहे थे जब कुत्ता गाल में खड़ा खड़ा देख रहा, कुत्ता भौंक्या नहीं, इसलिए नहीं भौंक्या अग भाई ये कुणबा जाग जाएगा नहीं तो पड़ोसी जाग जाएंगे और ये डाकू सारे कुणबे ने मार जाएंगे। और बनजारा ने का रत्न मेरा काला मुंह करवा दिया। जब वह चोर धन काट के ले गए चलन लग गए तो कुत्ता उनके पीछे पीछे चल देता है। उस समय लोगों चांदी के रुपये अगर थे, इतना धन लिकड़िया सेठ के यहां से उन तक चल लिया कोनिया। एक सियाणा चोर ने बोला भाई सेठ के तो काटे लिया, एक काम करो इस तालाब में जोड़ में दाब दो के गलन का बैठा और फुर्सत में काट ले जाएंगे। तड़के किल की पट्टी सेठ जी का चोरी होगी, डकैती पड़गी, शहर इकट्ठा हो गया और वो कुत्ता लाला जी की धोती का पल्ला पकड़ के खींचे कू। सैन साहब के साथ सियाणा आदमी ने बोला देख भाई वो कुत्ता वफादार जीव होता है, अरे यो क्यों मैं कहे से सारा शहर उस कुत्ते के पीछे पीछे चल देता है और शहर से बाहर जाकर उस तालाब से रुपया की सारी थैली गोते मार मार के काट के सेठ के कदमों में रख दी। लाला जी रुपये गिनने लग गया। उस समय होया करता चांदी का रुपया 58, 54, 52, 51 पीला पीसा, डपली पीसा, गट्टियाला पीसा, ढेला पाई, सबसे छोटी दमड़ी होती थी दमड़ी भी गिन ली, वह भी संभाल ली, सारा सौदा नौका नो पा गया, माथे का हाथ लाके बैठ गया सेठ जी। ओहो रे बनजारा तो भाई इसके 20,000 ठीक मांगे था, घने नहीं मांगे था, क्या कहा। ओए लाला जी के चोरी होगी, ओ लाला जी के चोरी होगी, एक साल में चोरा ने जब धन काटावो कुत्ता खड़ा गाड़े में, फिर चोरा ने धन लूट लूट के तापया एक ताले में, धन लकड़ा जब पीड़ी पटी वो कुत्ता लाया मार ले। लाला जी राजी हो गया, लाला जी राजी हो गया, भाई तमड़ी तलग संभाल। पे कलम और दवात मंगा लेता है,
और बंजारे के नाम एक चिट्ठी लिखता है, भाई बंजारे तेरे कुत्ते ने मेरे वह 20,000 रुपये पूरे कर दिए, वह रुपये मनाए मान लिए, तेरा आंख तार दिया और मैं ये तेरी अमानत तेरे पास भेज रहा हूं, तो 10,000 रुपये की और जरूरत हो 10-20-30,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपये तू और ले जा, और उतरा आंख में पन्ना है पड़ दिया और चिट्ठी बना के कुत्ते के गल में बांध देता है, हाथ जोड़ के विदाई देता, जा भाई मेरे लिए तू भगवान बन के आया था, जा अपने मालिक के पास, मेरे पीछे पूरे हो गए। कुत्ता समझदार था, 10-5 दिन जंगल बियाबान में भटकता रहा, उसने बंजारे को ढूंढ लिया, टोटे के हाल कौन ही गतान लेटा हुआ और इतनी दूर तक कुत्ता आता दिखाई दिया, उल्टी सोच गया, कहे लक्ष्मी चंद बिना बेचारे बात सब ये तो थी, विचार करना चाहिए, जो ये बालक नए नए गांव रूपा के गोली मार दे, आप भीतर जा है उनकी वीरबानिया ना दूसरे ठाए ठाए आने, पहले आजा सोच ले तू ये के लाग रहा करने, बंजारे ने सोची नहीं, ये सोच गया रन मेरा मेरा लाखों का माल गया परिवार गया, मैंने कदी अपनी हिनी नहीं होने दी, और आज तू सेठ के दबा जाया तने मेरी बेइज्जती कर दी, देसी को कट्टे से गोली मार देता, कुत्ता फड़फड़ा के मर जाता है। हिंदू धर्म में एक आस्था है कि मरे जीव को मट्टी देना, और बंजारा खड़ा खोद के जब मट्टी लग गया देन, कुत्ते की जीभ लिकड़ रही और गल में बांधी हुआ चिट्ठी जीभ के ऊपर पड़ी, और जब बंजारे की चिट्ठी पर नजर गई रवा पड़ी तो कैसे रोया कैसे पछताया, ये उदाहरण दिया था वो डेड लाइन में, कैसे बोला अपना फर्ज निभा के कुत्ता, अपना फर्ज निभा के कुत्ता वहां से चला बेचारा, 5-7-10 रोज चला जब मिला वही बंजारा, अरे बंजारे ने इन जान के वो कुत्ता जीत मारा, और चिट्ठी पढ़ के रोवन लग गया, चिट्ठी पढ़ के रोवन लग गया वो लक्ष्मी जाटी आला, भाई 50-50 रुपये दोनों भाइयों ने और दिए बड़ा बड़ा देना, ये गुड्डू पंडित जी भाई 1,000 रुपये हमारे को दिए, 11,000 रुपये मंदिर में दिए, 200 रुपये और दादा का बड़ा बड़ा देना, काकू पंडित जी और सोनू पंडित जी और संदीप हलदार साहब काफी पैसे पहले 100-100 रुपये और बड़ा 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 धन्यवाद।
मामन सिंह चौहान साहब 11,000 रुपए तो भाई बाबा के और 200 रुपए पार्टी के। बड़ा बड़ा धन्यवाद। या जो पूरी रागनी कही या दादा ने डेड लाइन में ऐसे कही थी जो अब आ जाएगी समझ में। ओए सेठ पले लिए सारा मार के फिर पछताओगे। सोनी पंडित जी महाराज सनौब बलबीर पंडित जी भाई 11,000 तो बाबा के और 500 रुपए पार्टी के दादा का बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरी में क्या कहा। देखिए कभी तो एरिया वाइज बसेरे हुए हैं, लेकिन देश और ही कभी दादा लक्ष्मीचंद अगे वे सौदा नहीं था। हिंदुस्तान की पहली बोलनी फिल्म 1913 में आई थी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दादा फालके ने बनाई थी। उन विद्वानों को भी नहीं पता था कि रोहतास राजा हरिश्चंद्र का लड़का नहीं था और एक अनपढ़ ब्राह्मण दादा लक्ष्मीचंद उसने बता दिया। राजा संतानहीन था। लकड़ारा ने बोला रे मन न्यो तो नहीं मारोगे जो को राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मण के छोरे ने मारे था। के कहानी दीवा राजा के संतान नहीं थी। सारे बाजे बजा लिए जब वरुण देवता का यज्ञ किया। वर्ण देवता ने बोला भाई योग्य कौन है संतान का मैं कहां से दूं। ने बोला जी मोक्ष नहीं मिलेगा चाला हो जाएगा। ने बोला तो एक काम कर दूंगा मैं कि 12 साल के लिए रोहतास को उधारा दे दूंगा। 12 साल के बाद मंदिर में बलि चढ़ा दी। मारा तो धर्म ही सा ना कुत्ता पाल लिया उसमें भी मोह हो जा पड़ोसी लाठी मार दे तो लठ बाज जा। मोह हो गया बेटे में कोन्या दिया गया जब 12 साल पूरे हुए और बलि देने का टाइम आया जब एक ब्राह्मण के लड़के को मंदिर में ले जाता है। जब आकाशवाणी हुई रे तेरे को सत्यवादी कहते तो यो के लाग रहा करण राजा नो काम करया तो नहीं पर वाह बात बन गई लोगों बनिया की छाती पर गए सांप उतर गया था। रोया जब लोग ने बोले लाला जी रो क्यों लड़िया था कोन्या। बोला लड़िया था कोन्या राई दपड़गी
उसमें भाव तो आया, दाग तो लग गया, रन्यो तो नहीं मारोगे, क्या कहा। का धारा के मेरी बलि चढ़ाओगे, आदमी मारना दे इसे ने तो मारो, जो कि मताब रहा हो, जिसके धन ने बैठ के सारा भाईचारा खा ले, मेरे मद के का ढोगे क्या कहा। बैठे खाओगे गरीब का बोल याद आओगा थारे, कित का ब्याह करवाओगे, मना तो मुझे छोड़ दो, क्या कहा। ओए लक्ष्मी चंदी बुरा ओ हो,
सुखी में दुनिया ते न्यारा रे गीत का ब्याह करवाओगे मैं दुखिया का ताल मेरे ते ये मतलब खा रहा पकड़ पे किंदले जाओगे।